ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। R9 टीवी देख रहे हैं आप। जौनपुर से खबर सामने आ रही है जहां पर मजदूर सड़क हादसे का शिकार होते हैं। सड़क हादसे में दो मजदूरों की मौत हो जाती है, एक मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बता दें आपको, एक मजदूर की गंभीर रूप से घायल पाया जाता है वो मजदूर, और ट्रक चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ, ट्रक चालक को गिरफ्तार किया जा चुका है। और जौनपुर में सड़क हादसे का शिकार होता है एक मजदूर, देखिए किस तरह से अस्पताल ले जाया जा रहा है। हालत बहुत बिगड़ी हुई थी और सड़क हादसे में दो लोगों की मौत भी हो जाती है और एक मजदूर गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तीनों को अस्पताल ले जाया जाता है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये बड़ा रोडरेज का रास्ता मामला सामने आ रहा है जौनपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे रिशु प्रकाश का, हमारे संवाददाता हमारे साथ विश्व प्रकाश जुड़े हुए। विश्व, आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला। ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, दो की मौत हुई है, एक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। हादसे की वजह क्या रही, क्या जानकारी मिल पा रही है? आपको बता दें कि ये तीनों एक बाइक पर सवार होकर, ये मजदूर वर्ग के लोग हैं, एक बाइक पर सवार होकर अपने घर ये कहीं मजदूरी के लिए जा रहे थे कि रास्ते में जौनपुर की तरफ से विपरीत दिशा से आ रही ट्रक ने इन तीनों को टक्कर मार दिया, जिसमें की घटना स्थल पर ही दो की मौत हो गई थी। एक गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज जिला अस्पताल में कराया गया, वहां से बेहतर उपचार के लिए डॉक्टरों ने उसे PHU रेफर कर दिया है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई कर रही है और इस मामले में जो घायल है उसकी हालत भी अभी गंभीर बताई जा रही है। और जो दो सौ थे उनको पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, ट्रक चालक को गिरफ्तार किया जा चुका है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह बड़ा हादसा हुआ है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जहां पर दो की मौत हुई है और एक की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है।